दिल्ली सब जोन इंचार्ज बी के शुक्ला दीदी को मणिपुर यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट ऑफ लेटर्स की उपाधि प्रदान करने पर होडल सेवा केंद्र द्वारा विशेष कार्यक्रम रखा गया। इस उपलक्ष्य में विभिन्न संस्थाओं के प्रबुद्ध जन शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से भारत विकास परिषद से भोजराज गर्ग, आरएसएस से राकेश कालरा, अलायंस क्लब से बलराम बंसल, नगर परिषद चेयरमैन इंद्रेश कुमारी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने दीदी को बुके, स्मृति चिन्ह और शॉल पहनाकर सम्मानित किया। ब्रह्मा कुमारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र में 100 पुलिस कर्मियों सहित अनेक बी के भाई बहनों ने योग कर योग दिवस मनाया। कार्यक्रम में एसीपी अशोक काटकर, वडोदरा योग बोर्ड में वेस्ट जोन के कोऑर्डिनेटर सुनील भाई और मीनाक्षी बहन, सेवा केंद्र प्रभारी बी के अरुणा समेत कई पुलिस कर्मी उपस्थित रहे। योग अभ्यास करने के साथ पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम के तहत अपने व्यसनों को छोड़कर निर्व्यसन बनने का संकल्प भी किया। ऐसे राजस्थान के भरतपुर में भी प्रशासन एवं आयुष मंत्रालय के आयुर्वेद विभाग द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड में योग दिवस मनाया गया, जिसमें योग के साथ राज्यों के अभ्यास के लिए ब्रह्मा कुमारी को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में आईएएस भ्राता अमित यादव, जिला कलेक्टर श्रीमती श्वेता यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरविंद सिंह एवं कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। राजयोग शिक्षिका बीके बबीता बहन ने राजयोग को राजाओं का राजा बताते हुए राजयोग से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां बिलासपुर के टिकरापारा में भी योगा दिवस बड़े ही उमंग से मनाया गया। टिकरापारा में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहुल, बेलतरा क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला समेत जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे, तो वही समाज कल्याण विभाग की ओर से टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बी के मंजू दीदी भी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। सभी अतिथियों ने योग के प्रति अपने विचार रखे। अंत में बी के मंजू दीदी ने शारीरिक योग के साथ मन को तंदुरुस्त रखने वाले राज्यों का भी अभ्यास कराया। अब खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ की, जहां कृषि उप संचालन हरीश मालवीय, भूजल वैज्ञानिक राम गोपाल नागर, पूर्व एसडीओ प्रताप सिंह ससोदिया सहित कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हरीश मालवीय जी ने योग को अपने दैनिक जीवन में कुछ देर अवश्य करने की बात कही। बीके मधु दीदी ने भी सभी को योगासन, प्राणायाम और साथ साथ नित्य मन को परमात्मा की याद में लगाने के लिए प्रेरित किया। हम शरीर को ठीक करने तो सब लगे हुए हैं, लेकिन मन को ठीक करने का हमें पता ही नहीं कि मन को क्या ठीक करें। मन के लिए हम कह देते हैं वो तो चंचल घोड़ा है, उसको तो लगाम लगाना बहुत मुश्किल है, उसे तो हम स्थिर नहीं कर सकते हैं, मन तो यहाँ वहाँ भागता रहता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन मन को नियंत्रण करना ही राज। ऐसे पंजाब के लुधियाना में भी योग दिवस जीएसटी समूह के प्रबंध निदेशक एस रणजोत सिंह, लुधियाना सब जोन प्रभारी बीके सरस्वती दीदी समेत कई बीके सदस्यों की उपस्थिति में मनाया गया। बीके सरस्वती दीदी ने मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण के लिए राजयोग ध्यान के महत्व को समझाया। नवी मुंबई स्थित वाशी के सिडको एग्जीबिशन में सेंट्रल महानगर पालिका की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वाशी की प्रभारी बीके शीला दीदी के साथ आईएएस विजय नाहर, पार्षद मांदाताई महात्रे, पार्षद गणेश नाइक एवं संपादक पुढ़ारी अखबार जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बीके शीला दीदी ने सभी को योग के महत्व के साथ राज्यों का भी महत्व समझाया और सेंटर पर आकर राज्यों को सीखने का निमंत्रण दिया। अमृतसर में लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा कंपनी बाग में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत राज्योग मेडिटेशन से हुई। कार्यक्रम में विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट और योगा ट्रेनर राजेंद्र सिंगारी उपस्थित रहे। राजेंद्र सिंगारी ने योग के मूल सिद्धांतों की जानकारी दी और उसके वैज्ञानिकता और उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताते हुए सभी को प्राणायाम का उचित विधि से अभ्यास कराया। तो वहीं बीके डॉक्टर किरण बहन ने राजयोग और शारीरिक योग के बीच में अंतर स्पष्ट करते हुए राजयोग का अभ्यास कराया। यह पूरा कार्यक्रम अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श दीदी के दिव्य उपस्थिति में हुआ। राजकोट के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा योग दिवस मनाया गया, जिसमें डिप्यूटी कमिश्नर स्वप्निल खरे, भाजपा महामंत्री अश्विन भाई मोलिया,
सिटी इंजीनियर आडिया साहेब और ब्रह्मा कुमारी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी के अंजू बहन विशेष रूप से उपस्थित रही और सभी को योग और योगा का जीवन में महत्व बताते हुए कहा कि मन को शांत एवं स्वस्थ रखने के लिए राजयोग मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। अंत में बी के दिव्या बहन ने राजयोग का अभ्यास करने की विधि सिखाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर के रॉयल गार्डन में योग शिक्षक के रूप में केंद्रीय विद्यालय योगा टीचर प्रियंका चौरसिया, गवर्नमेंट टीचर एवं वेलनेस कोच विजय सिंह गौतम, खेल विभाग के धीरज चौबे, न्यू राज भ्रमण के संपादक सुरेंद्र अग्रवाल, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेजर्स जिला इकाई अध्यक्ष आनंद अग्रवाल, मानव अधिकार प्रशासनिक संस्था के जिला अध्यक्ष सहित लगभग 500 लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी को बीके माधुरी बहन ने मन की सच्ची शांति के लिए राजयोग मेडिटेशन का अनुभव कराया। हर व्यक्ति आज इस योग की वैल्यू को समझ रहा है, चाहे वो राजयोग हो, भगवान को याद करने का हो, चाहे शारीरिक योग है, वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज विश्व की हर आत्मिक व्यक्ति इसके लिए आगे बढ़ रहा है, योग को महत्व दे रहा है। इसके लिए आज सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये जो विश्व योग दिवस हुआ है 21 जून को जो प्रतिशत मनाया जाता है और जो ब्रह्म कुमारी आश्रम प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम द्वारा किया गया, ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और ये राजयोग शिविर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसमें सभी लोग आना चाहिए। ऐसे ही ग्वालियर के लश्कर में भी सेवा केंद्र प्रभारी बी के आदर्श दीदी ने सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। योग से तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो वहीं राजयोग प्रशिक्षक बी के प्रहलाद तथा बी के सुरभि ने सभी को आसन, प्राणायाम और राजयोग ध्यान का अभ्यास कराया, जिसका लाभ अनेकों लोगों ने लिया। स्वस्थ रखने के लिए, ऊर्जावान रखने के लिए राजयोग ध्यान और योग अभ्यास बहुत आवश्यक। अब बात उत्तर प्रदेश के सादाबाद की, जहां पंचायत सादाबाद के तत्वाधान में सादाबाद इंटर कॉलेज में सामूहिक योगा किया गया। कार्यक्रम में योगा के लिए राजयोग शिक्षिका बी के भावना बहन व समाज सेवी सोम वारणसी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में उप जिला अधिकारी संजय कुमार, नगर पंचायत अध्यक्ष हेमलता अग्रवाल, समाज सेवी राजू अग्रवाल व अन्य नगर के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। कार्यक्रम में बी के भावना बहन ने संगीत के साथ योगा का अभ्यास कराया और अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय शारीरिक योगा के साथ मानसिक योग अर्थात मेडिटेशन का तालमेल बहुत जरूरी है। उप जिला अधिकारी संजय कुमार ने सभी को शुभ भावना देते हुए कहा कि कम से कम मास में एक बार सामूहिक मेडिटेशन अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था से आग्रह करते हुए कहा कि मेडिटेशन कराने का यह शुभ कार्य आप कर सकती हैं। मैं तो भी बहुत मेडिटेशन करता रहता हूँ, लेकिन वो एक जो संयम तरीके से और अनुशासन तरीके से मेडिटेशन होना चाहिए, उसको केवल एक ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति सिखा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि कोई ये क्लासेस आप लोग अपनी सहयोग से जरूर चलाएं, ताकि जो भी हमारे परिवारजन है वो मेडिटेशन में आके लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे जोधपुर में प्रताप नगर स्थित सुभाष उद्यान में भी स्वयं एवं समाज के लिए योग विषय पर कार्यक्रम किया गया। योग शिक्षिका सुनीता मंगल के निर्देशन में लगभग 300 से अधिक साधकों ने सामूहिक योग किया। महापौर वनिता सेठ, समाज सेवी सुरेश राठी, सरदारपुर सेवा केंद्र प्रभारी बी के फूल दीदी, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बी के शील दीदी मंच पर उपस्थित रहे। समाज सेवी सुरेश राठी जी ने व्यस्त रहे मस्त रहे का संदेश देते हुए कहा कि भौतिक वस्तुएं ही मानव जीवन में सब कुछ नहीं होती, सुखी रहने के लिए 24 घंटे में से योग, सत्संग आदि के लिए कम से कम 24 मिनट अवश्य देना चाहिए। तो वहीं बीके शील दीदी ने योग का महत्व बताते हुए स्व परिवर्तन करने की बात कही और कहा कि स्वर्णिम भारत तथा राम राज्य की स्थापना करने में योग की बहुत बड़ी भूमिका है। अंत में नेहा बहन ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया।